ओम नमः शिवाय। मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। बात करते हैं श्रावण मास के बारे में। श्रावण मास में किस प्रकार से शिव पूजन करना है और इस सावन में क्या क्या खास चीजें हमें शिव पूजन में ऐड कर लेनी चाहिए। देखिए, पहले बात करें श्रावण मास की, तो श्रावण मास देखिए प्रकृति कितनी दयामय हो जाती है। हर तरफ वनस्पति खिल करके, सारे पेड़ पौधे, फूल पत्ते, बिल्कुल पूरी प्रकृति, पूरे ब्रह्मांड में ताजगी का एक एक दिव्यता का अनुभव होता है। और ऐसा जो आप यदि बुजुर्गों से पूछेंगे तो वो आपको एक चीज बताएंगे। श्रावण मास में उनकी मान्यता है कि श्रावण मास का जो समय होता है, जो ये बारिश का समय होता है, इसमें शिव पार्वती इस भूतल पर विचरते हैं। तो बहुत ही खास समय होता है। और जो शिव भक्त इस चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं या अभी नए जुड़े हैं, उनके लिए तो श्रावण मास बहुत विशेष होता है। जो जुड़े हैं उनके लिए तो हर महीना ही बहुत खास होता जा रहा है। बहुत विशेष समयों में हमने विशेष प्रकार से शिव पूजाएं की हैं। तो अच्छा, शिव पूजा के बारे में एक गीत और मुझे सुंदर मूर्ति का याद आ गया। देखिए, शिव पूजा कितनी इम्पोर्टेंट होती है ये मैंने बहुत सारे वीडियो में आपको बताया है। सभी देवी देवता और किसी भी एक देवी देवता का आप नाम बता दीजिए जिसने शिवलिंग की पूजा नहीं की हो। जो कुछ भी उनको प्राप्त करना था, जिस भी पद पर वो विराजित हुए, वो सब शिवलिंग पूजा के दम पर ही हुआ। सुंदर मूर्ति एक गीत में लिखते हैं कि स्वामी, जो समय मैंने बिता दिया, जो ऐसा समय मैंने बिता दिया जब मैं आपको नहीं जानता था, आपकी दिव्यता नहीं जानता था, आपकी प्रभुता नहीं जानता था, वो समय मेरे लिए केवल बेकार ही नहीं था, बल्कि वो समय ऐसा था जैसे अर्थी पर ढोए जाने के समान। सुंदर मूर्ति ने उस समय को बताया है जिस समय में शिव पूजन या शिव चिंतन नहीं होता है। सुंदर मूर्ति जो स्वयं शिव का ही प्रतिबिंब है और जिनके लिए भगवान ने ऐरावत को भेजा था, अंत समय में आगे ये सारी कथाएं आएंगी। सुंदर मूर्ति पर इतनी कृपा थी भगवान की, उन्होंने ऐसा गीत में लिखा है कि ये जो शिव पूजन और शिव चिंतन के बिना जो समय बीतता है वो सबसे बेकार होता है, सबसे व्यर्थ होता है, और वो लाश के समान, एक अर्थी पर ढोए जाने के समान ही वो समय होता है। तो हमें तो कोई भी देखिए, प्रयास करिए कि आप जितना हो सके उतना लिंग आराधन करें। शिवलिंग पूजा से बढ़कर के इस ब्रह्मांड में कोई भी पूजन नहीं है। ब्रह्मांड में जितने भी जीव हैं जिनका आप नाम जानते हैं या नहीं जानते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार के जीव हो, सबको भोजन कराने जितना पुण्य आपको प्राप्त होता है यदि आप एक महीने लगातार शिवलिंग की पूजा करते हैं। इस श्रावण मास हमें एक विशेष चीज करनी है और वो है मृतिका उबटन। इस श्रावण मास में हमें मिट्टी से शिवलिंग की पूजा करनी है। अब आप सोच रहे होंगे मिट्टी से, अभी तक तो इतनी सारी चीजें हम ऐड करते आए हैं, दूध, दही, घी, मिट्टी। तो देखिए, नंदिकेश्वर जी सनत कुमार जी को बताते हैं कि मृतिका उबटन यदि कोई लिंगम पर करता है तो उसे 100 करोड़ मुद्रा दान करने जितना पुण्य प्राप्त होता है। और इस शिव पूजन में, इस श्रावण मास में हम कोई सामान्य मिट्टी नहीं लेंगे, हम मिट्टी लेंगे बिल वृक्ष के जड़ की मिट्टी। बिल वृक्ष के जड़ के पास की जो मिट्टी है ये हम लेंगे और इसे आपको इस प्रकार से यूज करना है। थोड़ी सी आप मिट्टी रख लीजिए अभी से, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो इस मिट्टी को ले जा करके, अभी बारिश का मौसम है तो हो सकता है गीली हो, और सावधानी ये रखनी है कि आपको बहुत ज्यादा मिट्टी नहीं वहां से हटानी है। ऐसा नहीं हो कि आप पुण्य के चक्कर में पाप के भागीदार बन जाएं, क्योंकि अभी रिसेंटली मैं कुछ ऐसा देख रहा हूँ, लोग ट्रेंड में आ रहे हैं और वो चीजें अधूरी बताते हैं, जिसके कारण लोग लिंगम पर गुड़ छोड़ करके आ जाते हैं, फिर पूरी रात मकोड़े कीड़े वगैरह उस शिवलिंग के ऊपर चिपके रहते हैं। केवल वो चीजें जो फॉलो कर रहे हैं, जो उपाय फॉलो कर रहे हैं, उन सब चीजों के कारण। तो जानकारी प्रॉपर लीजिए और प्रॉपर तरीके से ही काम करिए। सोचिए, हम गुड़ लगा करके पूरी रात बैठे तो हमारी क्या दशा होगी। तो भगवान को भी ऐसे नहीं हमें देखना है। तो बिल वृक्ष का भी ध्यान रखना है। आप जब बिल वृक्ष के पास की मिट्टी उठाएं तो या तो एक बिलपत्र के नीचे, बिल वृक्ष के नीचे से मिट्टी उठा रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप 2-4 बिलपत्र के पास, जड़ के पास से थोड़ी थोड़ी मिट्टी उठा लीजिए। बिल्कुल खड्डा नहीं बना देना है और जड़ वगैरह दिखे ऐसा कोई भी काम नहीं करना है। थोड़ी थोड़ी मिट्टी लीजिए,
अब उस मिट्टी को घर ले जा करके आप सुखा लीजिए यदि गीली है तो, और सूखी हुई तो अच्छी बात है, सूखी हुई तो उसे आप कपड़े से छान करके इकट्ठा कर लीजिए लीजिए जो बिल्कुल शुद्ध मिट्टी हो जाएगी बिल वृक्ष के नीचे की। देखिए बिल वृक्ष का अपने आप में बहुत महत्व है, कोई भी शिव पूजा बिल पत्र के बिना पूरी नहीं होती है। बिल का बहुत महत्व, बहुत सारी वीडियो मैंने आपको ये चीजें बताई हुई है। तो बिल वृक्ष के नीचे की मिट्टी जो तीर्थ समान ही होती है, जो पार्थिव लिंग पूजन में भी बिल वृक्ष के जड़ की मिट्टी प्रयोग कर सकते हैं, बहुत ही दिव्य होती है। और यदि किसी शिव भक्त के पास, देखिए अल्टरनेटिव ऑप्शन होता है आपके पास, यदि आपके पास भस्म नहीं है तो आप बिल वृक्ष के नीचे की मिट्टी का तिलक भी कर सकते हैं, उतना ही पुण्य मिलेगा आपको। और त्रिपुंड लगाने में ज्यादा चक्कर में मत पड़ना, आप बिल वृक्ष के नीचे की मिट्टी लीजिए और नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र बोलते हुए आप सीधा उसे अपने मस्तक पर लगा सकते हैं। इस मिट्टी से हमें जो आपने छान ली है उससे हमें नित्य ही भगवान को उबटन जैसे हम लगाते हैं उस प्रकार से भगवान को आपको लिंगम पर लेपित करना है। इसमें आप लेपित करते समय थोड़ा सा आप गंगा जल या गुलाब जल वगैरह मिला सकते हैं। इससे आप जैसे भस्म से स्नान कराते हैं उसी प्रकार इस मृतिका से भी आप इस मिट्टी से भी भगवान को स्नान करा सकते हैं। ये पूरा श्रावण मास आपको ये चीज फॉलो करनी है। और जो शिव भक्त ज्यादा ही बिजी रहते हैं, ज्यादा काम धंधे वाले हैं और समय नहीं निकाल पाते तो कम से कम सोमवार को तो अवश्य ही करें। और इम्पोर्टेंस मैंने शिव पूजा की आपको बता ही दी है, वही समय बेकार होता है जिसमें शिव चिंतन या शिव आराधन नहीं होता हो। आप शिव आराधन न कर पाए और बहुत बिजी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट काम आपको आ रहे हैं तो शिव चिंतन आपका आपके हृदय में चलता रहना चाहिए क्योंकि वही परम लक्ष्य है। इसलिए शिव चिंतन करते रहिए और इस मृतिका उपटन से आपको पूरे श्रावण मास में भगवान का पूजन आराधन करना है। दूसरी चीज, अब मान लीजिए आपने मिट्टी का लेपन कर दिया भगवान के ऊपर, उसके बाद आपको शुद्ध जल से भगवान को स्नान कराना है। ऐसा नहीं कि वो उपाय वालों की तरह आप वो पूरा छोड़ करके ऐसे ही घर भाग के आ जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। भगवान को पूरा अच्छी तरह से नहलाइए, ये एक स्नान का ही पार्ट होगा मृतिका उपटन। फिर भगवान को शुद्ध जल से स्नान कराइए, उसके बाद पुष्पों से, गंध वगैरह से, आप चंदन वगैरह से, कुमकुम से आप भगवान को श्रृंगार, भगवान का श्रृंगार करिए, उसके बाद आप नैवेद्य भगवान को अर्पित करिए। दूसरी चीज जो भृंगरीटी संहिता में श्रावण मास के लिए वर्णित है वो है शर्करा भी, अर्थात गुड़ की शक्कर। शुद्ध गुड़ की शक्कर यदि आपको प्राप्त होती है तो बहुत अच्छी बात है। चीनी वगैरह बिल्कुल भी यूज नहीं करनी है, जो व्हाइट वाली शुगर होती है वो यूज नहीं करनी है। शक्कर मैं बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ, गुड़ वाली जो शक्कर होती है उसे ही आप भगवान के लिए प्रयोग करें, उससे भी आप भगवान को स्नान करा सकते हैं और नैवेद्य रूप में भी आप भगवान को अर्पित कर सकते हैं। नैवेद्य में कैसे करेंगे, एक बिल पत्र आप ले लीजिएगा, उस बिल पत्र के ऊपर आप थोड़ी सी शक्कर रख दीजिए, उसमें थोड़ा घी मिलाइए और फिर आप भगवान के सामने उसे निवेदित करिए। और यदि स्नान आप शक्कर से करा रहे हैं तो डायरेक्ट आप शक्कर से स्नान भगवान को, लिंगम को करा सकते हैं। ये बात हो गई शिव आराधन शिव अर्चन की। अब बात कर लेते हैं हमें क्या पाठ करना है और क्या विशेष स्तोत्र करने हैं। कि एक दो वीडियो पहले या फिर पिछले वाली में ही मैंने आप सभी शिव भक्तों को बताया था कि श्रावण मास में हम कुछ ऐसा करेंगे जो बहुत प्रभावशाली होगा और स्पीड आपकी दोगुनी होने वाली है। तो वो चीज है, हम देखिए अब तक आप भगवान शिव को बोलते आए हैं, कुछ भी आप मांगते हैं, बातें करते हैं, वो सब चीजें आप करते हैं, लेकिन अब की बार करने दीजिए शिव को। अब कुछ ऐसा करते हैं जिससे शिव का ध्यान हमारी ओर जाए, हमारा ध्यान शिव की ओर तो हमेशा रहता ही है। तो हमको स्तुति करनी है सुंदर मूर्ति की। पूरे श्रावण मास आपको नित्य ही सुबह और शाम दोनों समय इस स्तोत्र का पाठ आपको करना है। उस स्तोत्र में जो सुंदर मूर्ति की स्तुति है उसका जो स्तोत्र है वो स्तुति का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहां जाकर के आप डाउनलोड कर लीजिए। बिल्कुल छोटी सी स्तुति है, इस स्तुति का पाठ आपको सुबह और शाम दोनों ही समय करना है। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जब आप इनको करते हैं तब शिव की सीधी दृष्टि आपके ऊपर होती है कि ये कौन है जो ये चीज कर रहा है, क्योंकि सुंदर भगवान के परम मित्र हैं। और ऐसा सुंदर ने नहीं कहा, ऐसा भगवान शिव ने स्वयं सुंदर को कहा था। और वो
वो इतने कैपेबल हैं, यदि वो चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। आगे बहुत सारी कथाओं में ऐसी घटनाएं आएंगी जब उन्होंने ऐसे ऐसे व्यक्तियों को मृत जो मृत थे उनको जीवित कर दिया, वो भी 4-5 साल पीरियड जो बीत चुका था, 4-5 वर्ष बीत चुके थे, उसके बाद भी उन्होंने उनको जीवित किया। और एक गीत में जब सुंदर, देखिए भगवान के लिए हमेशा गीत गाते थे, भगवान से निवेदन करते थे, प्रार्थना करते थे, किंतु एक गीत में यहाँ तक उन्होंने आदेश तक दे डाला था भगवान शिव को, और भगवान शिव को कार्य करना पड़ा था। तो हम उनकी स्तुति करेंगे जिनके डायरेक्ट लिंक है भगवान शिव के साथ, और यदि आप ऐसा करेंगे तो शिव की सीधी दृष्टि आपके ऊपर होगी। वो आपको नोट आप नोटिस में जरूर आएंगे कि ये कौन है जो सुंदर की स्तुति कर रहा है। तो ये स्तुति आपको पूरे श्रावण मास सुबह और शाम आपको अवश्य ही करनी है। ये श्रावण मास 4 जुलाई से प्रारंभ हो रहा है और पूरे 59 डेज हैं आपके पास, पूरे ऑलमोस्ट 2 महीने हैं आपके पास, तो इस विशेष समय का पूरा पूरा लाभ आपको उठाना है। पूरा पूरा वर्ष ही हम खाते पीते हैं, काम में बिजी रहते हैं, तो कम से कम कुछ समय तो आप भगवान को दीजिए, वरना वो कम समय ले लेंगे हम देखते ही रह जाएंगे। तो जब तक समय है, जब तक प्राण है, तब तक भगवान का आराधन हमें करना चाहिए, सारे काम छोड़ करके भगवान शिव का आराधन करना चाहिए। दूसरी चीज देखिए, माणिकवासगर जी इतने इतने विशेष शिव भक्त हुए, वो तो नटराज की जो नटराज का विग्रह है उसमें ही सशरीर समा गए थे इतने, और उनके द्वारा गाए गए गीतों को स्वयं भगवान शिव ने अपने हाथों से लिखा था। ऐसे माणिकवासगर जी लिखते हैं कि मैं तो खल हूँ, मैं तो कामी चोर हूँ, लेकिन आपके इतने महान भक्त हुए, उनकी मंडली में आपने मुझे शामिल कर लिया। मैं तो उस प्रकार से हूँ जैसे एक एक पक्षी का बच्चा अपने घोंसले में पड़ा रहता है, असहाय, भूख भूखा प्यासा भोजन की प्रतीक्षा करता रहता है, उसी प्रकार से मैं भी इस देह रूपी पिंजरे में पड़ा हुआ हूँ प्रभु, किंतु आप तो इतने करुणामय हैं कि आपने मुझे फिर भी अपना लिया। इस देखिए, माणिकवासगर जी ने स्वयं को स्वान तुल्य बताया है, कुत्ते के समान स्वयं की तुलना करी है। इतने महान शिव भक्त हुए, अहम भाव तो कुछ है ही नहीं। और आजकल देखिए लोग कुछ थोड़ा सा यदि शिव पे एक लोटा जल भी चढ़ा देते हैं तो फिर एहसान हो जाता है शिव के ऊपर, तो ऐसा हमको बिल्कुल भी नहीं करना है। हमारा सीधा सीधा संपर्क भगवान शिव के साथ हमें करना है, वही हमारे परम लक्ष्य है। जन्म जन्मांतर की यात्रा हो चुकी, जब जाकर के आपको मनुष्य जीवन मिला है, पता नहीं क्या 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 मैं खुद था पहले, क्या अब हूँ, किंतु अब सोचने वाली बात यह है क्या ये सर्कल वापस से घूमेगा या फिर हम उस लक्ष्य की ओर बढ़ जाएंगे। ये सब चीजें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं। आपने कभी देखा होगा, बहुत सारी बातें आज इस श्रावण मास की वीडियो में हो रही है, आपने कभी देखा होगा, आप कभी गाय को रोटी देने गए होंगे या फिर किसी जानवर को आपने देखा होगा, उनके आंखों से आंसू की एक धार बंदी होती है, उन यहाँ पर गीला निशान होता है। वो लोग भी कभी किसी पूर्व जन्म में कोई डॉक्टर था, कोई इंजीनियर था, और उस समय वो बोलते थे कि अरे हमें तो फुर्सत ही नहीं किसी भी चीज की, काम में इतने व्यस्त रहते हैं, और अब देखिए वो कितना व्यस्त रहते हैं। तो जब आपको एक ऐसा ऑप्शन मिल रहा है आपको पूरा पूरा, तो इसका लाभ उठाना चाहिए। एटलीस्ट जिस पॉइंट पर हम हैं उससे नीचे तो ना गिरे, उससे ऊपर ज्यादा नहीं उठ सकते, तो कम से कम उससे नीचे हमें नहीं गिरना है। और जब भगवान शिव का सानिध्य होता है, जब आप शिव के शरणागत होते हैं, तो असंभव चीजें भी संभव हो जाती हैं। वो करुणामय है, इतने करुणामय है माणिकवासगर जी ने भगवान शिव को गन्ने के रस से भी मीठा बताया है, शहद से भी मीठा भगवान शिव को बताया है, इतना दयामय और करुणामय भगवान शिव को उन्होंने दर्शाया। एक सूकर जो थी वो जन्म देते ही बच्चों को वो प्राण त्याग दिए उसने, तो जब उसके जो नवजात सूकर के बच्चे थे वो रो रहे थे, तो भगवान, उस स्थान का नाम मदुरई है, वहां पर जब वो रो रहे थे तो भगवान को दया आई और उन्होंने स्वयं एक ऐसा रूप धारण किया, मुख सूकर, ऐसा सुकर रूपी रूप धारण करके भगवान शिव ने स्वयं उन बच्चों को अपना दूध पिलाया। एक माँ की तरह वो प्रकट हुए, सुकर माँ की तरह प्रकट हुए और उन बच्चों को अपना दूध पिलाया। तो इतना करुणा में इतना दयावान और कौन होगा। माणिकवासगर जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि इस संसार में माँ की ममता सबसे अधिक बताई गई, किंतु आप तो माँ के प्रेम से भी बढ़कर प्रेम करते हैं अपने भक्त को।
श्रावण मास टोटल बात यही है, ये श्रावण मास बिल्कुल भी हमें शिवाराधन नहीं छोड़ना है। जितने भी पुष्प पाप देखिए, प्रकृति पूरा दया में हो रखी है, हर जगह पुष्प खिले हुए हैं, तो आप कहीं से भी कोई भी पुष्प लेकर के आप शिवाराधन करिए, चक्कर में मत पड़िए। मैं क्या बताता हूँ, मैं तो पता नहीं क्या क्या बताता रहता हूँ। जो आपको मिल जाए, आपका भक्ति भाव, आपकी जो भावना है भगवान के लिए, आपका जो प्रेम है, वो सर्वोपरि रख करके आप शिवाराधन करिए, शिव पूजन करिए। न केवल आपका उद्धार होगा, बल्कि आपकी 21 पीढ़ी पहले की और 21 पीढ़ी आने वाली सबका उद्धार आप स्वयं कर सकते हैं। ये सब चीजें आपके ऊपर ही डिपेंड है। और यदि आप मुझे आप सुन पा रहे हैं, तो ये कोई ना कोई ऑप्शन आपको मिला है कि आप ये चीज कर सकते हैं, तो इसे बिल्कुल भी चूकना नहीं। सुंदर एक ऐसा ऑप्शन है हमारे पास, इस पूरे श्रावण मास आपको उनकी स्तुति करनी है, फिर देखिए शिव आपको नोटिस में अवश्य ही लेंगे। आज तो बहुत सारी बातें कर ली है, देखिए अब बात कर लेते हैं। गणपति स्तोत्र आपको अवश्य ही करना है, शिव पूजा जब भी आप इस जब भी आप करें श्रावण मास, तो क्या हर मास में जब भी आप शिव पूजन करें, उससे पहले गणपति संकटनाशन स्तोत्र आपको अवश्य ही करना है। लिंक आपको यहाँ आई बटन पर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और जो शिव भक्त पहले जुड़े हुए उनके पास वो ऑलरेडी है, उस स्तोत्र का पाठ करना है। शिवाराधन लिंगार्चन वगैरह आपको करना है, और उसके बाद आपको नंदी जो स्तोत्र है, जो देवताओं कृत नंदी स्तोत्र है, उसका पाठ भी आपको करना है। और ये जो सुंदर मूर्ति की स्तुति है, ये भी आपको शिव पूजन में करनी है। इसके बाद आप पंचाक्षर का जप कर सकते हैं, जो भी स्तोत्र वगैरह आप करना चाहे वो सब आप कर सकते हैं, किंतु ये कंपलसरी है, संकटनाशन गणेश स्तोत्र, नंदी देवता कृत नंदी स्तोत्र, और आपका ये सुंदर स्तुति, ये आपको अवश्य करनी है। जिनको काल सर्प वगैरह है, कोई दोष है नाग से संबंधित, तो उसको जो एक नवनाग स्तोत्र मैंने पहले दिया था, जो लिंग पर ही आपको अभिषेक करना होता है, वो आप अवश्य ही करिए। तो और नॉर्मल भी करेंगे तो आपके जीवन में अच्छी चीजें होंगी, सर्वत्र विजय होती है इस नवनाग स्तोत्र से। तो इन सभी स्तोत्रों का पाठ आपको पूरे श्रावण मास में करना है, और लिंगार्चन पर विशेष ध्यान देना है। अब भी मुझे लग रहा है कि ये एक वीडियो में बातें पूरे नहीं कर पाऊंगा, तो अगले वीडियो में और हम डिस्कस करेंगे, श्रावण मास के ऊपर ही होगी, और जल्द वो दूसरी वीडियो भी आएगी, उसमें मैं आपको कुछ खास चीजें भी बताऊंगा जो मेडिटेशन से रिलेटेड होंगी, और कुछ ऐसी चीजें जो हमें अपने लिए करनी चाहिए। तो ये थी जानकारी श्रावण मास के बारे में, अभी तक के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो, महादेव कृपा करें। अरुणाचल शिव, ओम नमः शिवाय।